पुलिस, सीबीआई, ईडी और एनसीबी ने कई लोगों से पूछताछ सुशांत सिंह राजपूत मामले पर की है, लेकिन ऐसे में सोशल मीडिया पर एक बार फिर से सुशांत सिंह राजपूत के निधन के 11 महीने बाद वायरल हो रही है सुशांत सिंह राजपूत के ड्राइवर की 15 सेकंड की वीडियो। इस वीडियो में सुशांत के ड्राइवर ने किए हैं कई चौंकाने वाले खुलासे। क्या है पूरी खबर, देखिए रिपोर्ट। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के निधन को 11 महीने से का वक्त बीत चुका है। सीबीआई आज भी सुशांत मामले की जांच कर रही है। 6 से 7 महीने सीबीआई को इस मामले की जांच करते हुए हो चुका है वक्त, लेकिन अभी तक सीबीआई के हाथ में सुशांत सिंह राजपूत मामले से जुड़ा कोई भी सच सामने नहीं आया। ऐसे में अब एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने सबको हैरान कर दिया। देखी होगी आप सबने हमारी रिपोर्ट की हेडलाइन, जिसमें हमने लिखा है कि सुशांत सिंह राजपूत के ड्राइवर की वीडियो आई सामने, और इस वीडियो से, इस 15 सेकंड की वीडियो में हुए चौंकाने वाले खुलासे। क्या है वीडियो का सच, क्या है इस वीडियो में ऐसा जिसने सुशांत केस में लेकर आया है नया मोड़, तो चलिए बताते हैं आपको। दरअसल सुशांत सिंह राजपूत मामले की जांच अभी भी सीबीआई कर रही है। सीबीआई के साथ इस सुशांत मामले पर ईडी और एनसीबी की जांच भी जारी है। ऐसे में रिया चक्रवर्ती सुशांत मामले की मुख्य आरोपी मानी जा रही है, और सुशांत का दोस्त का दावा करने वाले संदीप सिंह को भी शक के घेरे में रखा गया है। ऐसे में अब सुशांत के फैंस को इंतजार है सुशांत के इंसाफ का, और अब इन्हीं तीनों टीमों की जांच के बाद सच आखिर कब सामने आएगा, इसका इंतजार सुशांत का परिवार, सुशांत के फैंस सभी कर रहे हैं। आपको बता दें कि इस बीच सोशल मीडिया पर वायरल हुई एक बार फिर से सुशांत सिंह राजपूत के ड्राइवर की एक वीडियो, जिसमें खुला है सुशांत के निधन से जुड़ा राज, या यूं कहे कि सुशांत के ड्राइवर ने ही खोला सुशांत से जुड़ा वो राज जो सुशांत के सिर्फ अतीत के साथ कनेक्ट नहीं है, बल्कि सुशांत के निधन के साथ भी उस खबर का ताल्लुक है। तो क्या है ये खबर और क्या कहा है इस वीडियो में सुशांत के ड्राइवर ने, तो चलिए बताते हैं आपको। दरअसल सुशांत सिंह राजपूत के ड्राइवर ने बताया है कि सुशांत को निधन से काफी ज्यादा डर लगता था, और जब कोई इंसान अपने ही निधन से डरता है तो कोई इंसान कैसे फैसला लेकर अपनी जिंदगी अपने हाथों से खत्म कर सकता है। सुशांत काफ़ी ज़्यादा डरता था अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने से, और ऐसा कैसे हो सकता है कि सुशांत अपनी ज़िंदगी अपने ही हाथों से ले ले, और वो भी वो शख्स जो खुद अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने से डरता हो। बता दें कि इस वीडियो में सिर्फ यही नहीं बल्कि आगे का सच भी सामने आया है। इस वीडियो में ड्राइवर ने एक घटना का भी जिक्र किया है, जिसे बताते हुए ड्राइवर ने कहा है कि एक बार ड्राइवर सुशांत सिंह राजपूत को लेने उनके घर पर आया था, जहां पर सुशांत सिंह राजपूत को गाड़ी तक आने में थोड़ी देरी हो गई, और इतने में ही ड्राइवर की आंख लग गई। ड्राइवर गाड़ी में ही सो गया, जिसके बाद सुशांत ने ड्राइवर को गाड़ी में सोते हुए देख लिया और ड्राइवर से पूछा कि क्या तुम सो रहे थे। तब ड्राइवर जवाब में कहता है कि नहीं, वो सो नहीं रहा था। लेकिन इसके बावजूद भी सुशांत सिंह राजपूत ने ड्राइवर को गाड़ी चलाने से मना कर दिया और वो खुद गाड़ी चलाकर अपने शूट पर गए। इस वीडियो में इंस्टाग्राम पेज पर शेयर किया गया है इस वीडियो को, जहां पर कई लाख लोग इस वीडियो को देख चुके हैं और अपने रिएक्शंस भी दे चुके हैं। ये बात हर कोई जानता है कि सुशांत का निधन बीते साल 14 जून 2020 को मुंबई बांद्रा के घर पर हुआ था, जिसके कुछ दिनों तक तो सुशांत के निधन को लोगों ने किसी की साजिश ही कहा, लेकिन बाद में ये केस सीबीआई के हाथों में चला गया। सीबीआई आज भी सुशांत के मामले की जांच कर रही है, लेकिन यहाँ पर
जिस तरह से रिहा होकर रिया चक्रवर्ती और शोभिक चक्रवर्ती अपनी जिंदगी को जी रहे हैं, नॉर्मल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं सुशांत सिंह राजपूत के फैंस का है सवाल। जी हां, सुशांत सिंह राजपूत के फैंस कर रहे हैं सवाल रिया चक्रवर्ती को लेकर और साथ ही सुशांत को लेकर। उनका कहना ये है कि जब सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती खुल्लम खुल्ला इस तरह घूम रही है, अपनी जिंदगी को नॉर्मल कर रही है, पार्टीज में जा रही है, लोगों के साथ मिल रही है, बातचीत कर रही है, तो सुशांत सिंह राजपूत का क्या? सुशांत जिसका निधन हो गया, जिसका आरोप रिया चक्रवर्ती और उसके परिवार पर लगा है कि रिया चक्रवर्ती के परिवार की वजह से ही सुशांत सिंह राजपूत के साथ ये हादसा हुआ है, लेकिन अब रिया चक्रवर्ती जिस तरह से घूम रही है तो सवाल ये उठता है कि आखिर 11 महीने का वक्त पूरा होने वाला है सुशांत सिंह राजपूत के मामले को, लेकिन अभी तक CBI का इस मामले पर कोई अपडेट और कोई भी रिप्लाई सामने नहीं आया है। CBI अभी तक सुशांत मामले पर चुप्पी साध कर बैठी हुई है। CBI से जब भी सवाल किया जाता है तो CBI सिर्फ एक ही जवाब देती है और कहती है कि उनकी जांच अब भी सुशांत मामले पर जारी है और वो अलग अलग एंगल से जांच कर रहे हैं। सवाल ये है कि जब खुद सुशांत सिंह राजपूत मामले से जुड़े लोग ये बात साबित कर रहे हैं और सामने आकर खुद बोल रहे हैं कि सुशांत ऐसा नहीं कर सकता था, सुशांत के साथ साजिश हुई है, सुशांत ड्रग्स नहीं लेता था, सुशांत को ड्रग्स की आदत दिलवाई गई है, हर किसी ने इसी चीज का दावा किया, लेकिन उसके बावजूद भी उन चीजों को इग्नोर करने के बाद भी सब लोग उन बातों पर ध्यान देने की कोशिश कर रहे हैं जहां पर ये कहा गया कि सुशांत ने आखिर ये फैसला किस वजह से लिया अपनी जिंदगी को खत्म करने का। सबका मानना है कि सुशांत डिप्रेशन में था। सवाल ये है कि अगर सुशांत डिप्रेशन में था तो वो अपने फ्यूचर की प्लानिंग कैसे कर रहा था। दूसरा सवाल ये है कि अगर सुशांत वाकई डिप्रेशन में था तो वो हर बार अपनी बहन से ये क्यों कहता था कि उसे रिया चक्रवर्ती से डर लग रहा है और अब उसकी जान को भी खतरा है। तीसरा सवाल ये है कि आखिर क्यों सुशांत की एक्स मैनेजर दिशा सालन के साथ भी हादसा हुआ और हादसे के बाद सुशांत को यकीन हो गया था कि अब उसका नंबर है और अब उसकी जिंदगी खत्म होने वाली है। सवाल कई सारे हैं, हर चीज एक दूसरे से जुड़ रही है, लेकिन इसके बावजूद भी इन चीजों पर ध्यान ना देकर उन चीजों पर फोकस करने की कोशिश की जा रही है जिसमें इस बात का दावा किया जा रहा है कि सुशांत डिप्रेशन का शिकार थे और इसी वजह से सुशांत ने अपनी जिंदगी को खत्म कर लिया। यहाँ पर कोई भी ये जानने की कोशिश नहीं कर रहा कि आखिर सुशांत डिप्रेशन में था तो किस वजह से था, आखिर किसकी वजह से डिप्रेशन का शिकार हुआ, और अगर डिप्रेशन के शिकार की वजह से ही सुशांत ने अपनी जिंदगी को खत्म करने का फैसला लिया तो वो भी एक साजिश ही थी जहां पर सुशांत को पहले डिप्रेशन का शिकार बनाया गया जिसके चलते सुशांत ने अपनी जिंदगी खत्म की, और इस पर भी उन लोगों को सजा मिलनी चाहिए जिन्होंने सुशांत को इतना ज्यादा डिप्रेशन की ओर धकेल दिया कि सुशांत ने अपनी जिंदगी को खत्म करना ही बेहतर समझा। नेक्स्ट लाइव सुरशनी की रिपोर्ट। तो देखा आपने किस तरह से ड्राइवर ने चौंकाने वाला खुलासा किया, और ड्राइवर की इन बातों से ये बात पूरी तरह से साबित हो रही है कि सुशांत वाकई अपनी जिंदगी को खत्म करने से डरते थे, और जब कोई इंसान अपनी जिंदगी को खत्म करने से डरता है तो सवाल सबसे बड़ा ये खड़ा हो जाता है कि आखिर कोई इंसान इतना डरने के बावजूद भी अपनी जिंदगी को खत्म कैसे कर सकता है अपने ही हाथों से। सवाल कई सारे हैं, लेकिन इन सवालों का जवाब आखिर CBI कब देगी सुशांत के फैंस और उनके परिवार को, कब मिलेगा सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ, ये सबसे बड़ा सवाल। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मुझे दीजिए साथ। Bye.